नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। ग्राम भेड़ी में सतचंडी महायज्ञ की भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 30,000 भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं भीड़ पर काबू करने के लिए जलालपुर पुलिस पूरी तरह चौकन्नी नजर आई। जी हां, आपको बता दें कि जिला हमीरपुर के ग्राम भेड़ी के श्री महामहेश्वरी धाम में सतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कलश यात्रा के दौरान लगभग 30,000 से अधिक भक्तों की भीड़ देखने को मिली। कलश यात्रा श्री महामहेश्वरी धाम से होकर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए बेतवा नदी में जल भरकर पुनः श्री महामहेश्वरी धाम में समाप्त हुई। कलश यात्रा में घोड़े, डीजे, बैंड बाजा, बहुरूपिया पार्टी से लेकर भव्य गाजे बाजे भी मौजूद रहे। कलश यात्रा में हमीरपुर जनपद के साथ साथ जालौन, महोबा, कानपुर, झांसी आदि जनपद के लोग भी शामिल हुए। सतचंडी यज्ञ 25 जनवरी से 3 फरवरी को विशाल भंडारे के साथ समापन होगा व प्रतिदिन रात्रि में राहस लीला का कार्यक्रम भी होगा। उत्तर प्रदेश हमीरपुर से इंडिया खबर लाइव संवाददाता पंकज कुमार शर्मा की एक रिपोर्ट। कहां से लोग यहां पर दर्शन के लिए आए? ये ग्राम भेड़ी डांडा माँ महसी धाम प्रसिद्ध स्थान, माँ महसी देवी जी का शक्तिपीठ, वैष्णो शक्तिपीठ स्थान है। आज 25 जनवरी से यहाँ पे यज्ञ सचंडी यज्ञ का कार्यक्रम होने जा रहा है और 3 तारीख को भंडारा रहेगा। आज कलश यात्रा निकाली गई है, जिस कलश यात्रा में आज यहाँ पे करीब कई जिलों से, जालौन जिले, आसपास पड़ोसी जिले से और हमारे पूरे क्षेत्र से और आसपास के ग्रामों से यहाँ लगभग 30-35 हज़ार की भीड़ यहाँ पर एकत्र हुई है। माँ भक्तों का यहाँ पर तांता लगा रहा है और सुबह से ही यहाँ माँ भक्त आ गए थे और पूरे क्षेत्र से और लोग बाग यहाँ आए हैं और पूजा अर्चना के बाद में पूरे गांव में भ्रमण करके कलश यात्रा करके बेतवा किनारे नदी पर ये जल लिया गया है। इसके बाद हम समस्त लोग माताओं बहनों के साथ पूरा जितना जलूस है सारे भक्तों के साथ में यज्ञ मंडप पे पहुँचेंगे, माँ महर्षि प्रांगण पहुँचेंगे। इसके बाद ये यज्ञ पूजन का कार्यक्रम चालू होगा। शोभा यात्रा है 25 तारीख से और तत्पश्चात 2 तारीख को भंडारा एवं 3 तारीख को विशाल भंडारा, 2 तारीख को पूर्णा होती है। कितनी भीड़ हुई होगी लगभग इसमें? अगर भीड़ की संख्या, भक्तों की संख्या हजारों में है, जिसमें